अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BeenVlogs। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये मेरे घर की विंडो से हर वक्त मुझे नज़र आता है। कनाडा की ब्यूटी तो मैं आपको दिखाती रही हूँ पिछली वीडियोस में भी। आज मैं आपको कनाडा का डोनेशन सेंटर, पाकिस्तान में हम इसको लंडा बाज़ार कहते हैं, यहाँ थ्रिफ्ट स्टोर भी बोलते हैं, आज मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी। लेट्स गो। कनाडा का लंडा बाज़ार डोनेशन स्टोर वैल्यू विलेज, आज यहाँ का प्लान है। देखते हैं कुछ ट्रेजर हंट मिले, कोई अच्छी चीज़ मिले, कोई महंगे ब्रांड्स कम प्राइस में मिल जाए। चलिए मेरे साथ। मैं अक्सर यहाँ बच्चों की बुक्स लेने आती हूँ, कई दफ़ा बहुत अच्छी प्राइसेस में पूरे सेट्स मिल जाते हैं, लाइक $2, $5। बाय फोर बुक्स एंड गेट द फिफ्थ फ्री। कितना प्रमोट करते हैं ना ये लोग बुक्स को। ओह इट्स ओके, नो वरीज। तो मैं अक्सर बच्चों के लिए ऑटोबायोग्राफीज़, उन लोगों की जो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, सो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, पीपल हु नेवर गिव अप, मैं उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेके जाती हूँ। बच्चों की किंडरगार्टन, मतलब हर एज ग्रुप के लिए, बड़ों के लिए, ओल्ड एज के लिए। ओह नो वे, पाकिस्तान द कल्चर, मेरा पाकिस्तान। ये आज मैंने पहली दफ़ा देखी है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर, मतलब लाइब्रेरी में तो मैंने देखी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। और ये दूसरी साइड पे कप्स, ग्लास, क्रॉकरी, डेकोरेशन पीसेस बहुत अमेजिंग होते हैं। यहाँ से तो बहुत लोग लेके जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इवन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी लेके जाते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी कलेक्टिंग क्यूट वाली चीज़ें, प्यारा स्टफ। मैं भी कभी हॉबी के तौर पे इसको आती हूँ, आई जस्ट कलेक्ट फ्यू आइटम्स जो मुझे लगे कि बहुत यू नो रेयर हैं, बहुत अच्छे हैं, आई डू कलेक्ट। This is nice. And this too. ये कितनी क्यूट है, आ छोटी सी है, आई लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ नज़र आई है, जिस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत,
ये सारे स्टोन्स लगाए हुए हैं, गार्नेट, मीका, जेड, एमेथिस्ट, कोल. इट्स ब्यूटीफुल. क्या है? इट्स ब्यूटीफुल. और ये क्या है? घोड़ा है या डोंकी है? नहीं, डोंकी है आई थिंक. उस बेचारे का जो हमारे मुल्क में हाल होता है ना, वही दिखाया हुआ. कितना सामान उसमें बात डाला हुआ. देखिए इस तरह डिफरेंट आइल्स इन्होंने बनाए हुए. सो दिस इज़ द क्रॉकरी सेक्शन. एक साइड पे बुक्स हैं, सामने कपड़े हैं. बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी यहाँ पे मिल जाती है. मैं अवॉइड करती हूँ यहाँ से क्योंकि फॉर सम रीजंस यू नो क्रॉकरी पे आपने खाना होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन जिन्होंने लेना होता है वो उनके लिए बहुत अच्छा है. एक बहुत अच्छा सामान मिल जाता है. ये तो मैं लेने लगी हूँ फॉर श्योर, 100%. बस ये तो गया. ग्लास ऑलमोस्ट $6 का है. ये रेगुलर आई थिंक डबल का होगा, 12 का होगा. ये सब मशीन्स का सेक्शन है. Betty Crocker, coffee makers. बच्चों के टॉयज, कितना ऑर्गेनाइज्ड इन्होंने बनाया हुआ है. लंडा बाजार भी इतना ऑर्गेनाइज्ड है. किड्स, हाउसवेयर्स, विमेन, मेन वेयर, ज्वेलरी, शूज, सब कुछ. This one प्योर लेदर का है. ये तो हर तरह के बैग्स, लॉन्ग बूट्स जिनकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है. जब स्नो होती है तो बस यही चलते हैं.
Branded purples, jewelry, glasses. जी तो आपने देखा कितने ज़्यादा ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं कपड़ों में भी ज़ारा और इस तरह के दूसरे जो कैल्विन क्लाइन. तो इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारी वैरायटी है और यहाँ पे एक कल्चरल डिफरेंस है. पाकिस्तान में लंडा बाज़ार से लेने में बहुत हमें ऑड लगता है, यहाँ पे भी थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन हॉबी के तौर पे बहुत यूनिक चीज़ें आप ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. और जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं वो जाके यहाँ से ले सकते हैं चीज़ें. तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था. आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, आई एम नॉट इनक्रेजिंग इट, लेकिन अगर किसी को अफोर्डेबल लगता है और ठीक लगता है तो वाई नॉट. चलें जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अब मैं भी अपने घर वापस जाती हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब माय चैनल, BeenVlogs को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, मुझे बताएं कि मैं और किस कंटेंट पे और क्या जानना चाहते हैं आप कनाडा के बारे में, कनाडा में और कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्टिव लगती हैं, मैं उसके बारे में ब्लॉग्स बनाऊँगी. दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें और अपने loved ones का बहुत ख्याल रखिए. मैं अल्लाह हाफिज़.